आज हम लोग इकोनॉमिक्स का बेसिक देख रहे हैं, जो बेसिक टर्म्स इकोनॉमिक्स में आते हैं। सबसे पहला है असंगठित क्षेत्र के उद्यम किसको कहते हैं। उद्यम को इंग्लिश में इंटरप्राइज कहते हैं और उद्यमी को इंटरप्रेनर कहते हैं। तो असंगठित क्षेत्र जैसे छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे उद्यम होते हैं, आटा चक्की है या फिर सिलाई कटाई है, बुनाई है, उस सब को असंगठित क्षेत्र कहते हैं। फॉर्मल सेक्टर नहीं होता, वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है। इसकी पहचान क्या है कि इसमें 10 से कम श्रमिक होगा, जहां ऐसे निजी उद्योग जहां लेबर का कुल संख्या 10 से कम हो, वो असंगठित क्षेत्र के कहलाते हैं। अदृश्य मदें क्या होता है, इनविजिबल आइटम्स। जैसे आप कुछ सामान परचेज करके लाए और यहां बेचे, कोई कस्टमर ऐसा भी है जो कहता है कि भाई आप कितने परसेंट पर खरीद के लाए हैं। अगर 80 रुपए का सामान है तो आप बताते हैं कि भाई हमको 20% पे वो सामान देता है, 20% छूट देता है। यानी 80 का सामान है वो आपको 64 में दिया, तो वो सीधा बोल देता है कि भाई आप 16 रुपये एक सामान पे प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो 16 रुपया प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसको लाने में भी तो खर्च हुआ। उसको अगर मोबाइल से वो बात करके वो अगर मेंटेन किया तो उसमें भी खर्च हुआ, वो अगर बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहा तो उस पर जो कॉस्ट लगा उस पर भी तो उसका खर्च हुआ। तो ये सब जो हैं इनविजिबल आइटम्स कहलाती हैं, अदृश्य मदें कहलाती है। जैसे पर्यटन हो गया, पर्यटन मिसाले आ गए, सारे ट्रांसपोर्ट आ गए, जहाज हो गया, वायु परिवहन, बीमा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, सरकारी अनुदान, ब्याज, लाभ, लाभांश आदि, चालू खाते की मदें, ये सभी सामान्यतः वस्तु के रूप में दिखाई नहीं देती है, इसलिए इनको इनविजिबल आइटम्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अनारक्षण क्या होता है, डीरिजर्वेशन। किसी व्यक्ति या उद्योग समूह को उन वस्तुओं के उत्पादन की छूट देना जो पहले किसी व्यक्ति या उद्योग समूह के लिए आरक्षित हो, उसी को अनारक्षण कहते हैं। जो पहले आरक्षित थी उसका आरक्षण हमने हटा दिया। जैसे मैंने किसी एक सेक्टर को, जैसे टाटा ग्रुप को कोई इंडस्ट्री के लिए दे दिया गया कि भाई इस सेक्टर का जो भी इंडस्ट्री वो आपके अधीन होगा, हम उसको आरक्षित करके रखे हैं, और बाद में हम उसको कहे कि नहीं भाई आपका आरक्षण हम खत्म करते हैं, जो भी कोई चाहे, कोई भी इंडियन चाहे, तो वो इस तरह के सेक्टर में काम कर सकते, तो वो हो गया डीरिजर्वेशन, अनारक्षण। अनारक्षण तो और भी सेंस में आता है, यहाँ इकोनॉमिक्स के सेंस में इसका यही अभिप्राय है। अवमूल्यन काफी बहुत हाईलाइटेड मैटर है, डी वैल्यूएशन। जैसे आज आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया का कोई वैल्यू नजर नहीं आता। यही 100 रुपया यदि आज से 50 साल पहले किसी के पास होता तो लगता कि बहुत बड़ी रकम है उसके पास। तो मुद्रा का धीरे धीरे जो है मूल्य घटता जाता है, जिसको मूल्यन कहते हैं। ठीक है, इसको मापा कैसे जाता है, तो मुद्रा की विनिमय दर में गिरावट आना। विनिमय दर का मतलब यह हो गया, जैसे अगर विदेश में, अगर विदेश के $1 कोई अगर देता तो हम भारतीय रुपया उसको मान लीजिए कि 70 देते। आज के डेट में $1 में हम 90 रुपया दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारी मुद्रा का वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर गया। इसी को अवमूल्यन कहा जाता है, डीवैल्यूएशन कहा जाता है। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो वस्तुएं महंगी हो जाती है। ठीक, पहला तो ये है। दूसरा क्या है कि निर्यात सस्ता हो जाता है। निर्यात सस्ता कैसे हो जाता है, जैसे कि अगर निर्यात का मतलब हो गया कि हम अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं, तो
हमको जो डॉलर मिलेगा उसका वैल्यू क्या ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि तो डॉलर का वैल्यू रुपया में ज्यादा हो गया है। जैसे मान लीजिए कि वो विदेश मुद्रा में हम निर्यात किए, तो हमको ज्यादा रुपया आ गया तो निर्यात सस्ता हो गया, लेकिन आयात करने के लिए हमको ज्यादा रुपया देना होगा तो वो महंगा। तो अवमूल्यन से निर्यात सस्ता होगा, आयात। अवमूल्यन का ऐसे सीधा मतलब है कि अपने रुपये में अपने देश की मुद्रा में गिरावट आ जाना, उसके मूल्य में गिरावट आ जाना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जब कोई भी आप स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने में हम अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहते हैं। जैसे कोविड दौर में बहुत लोग जो दूसरे दूसरे सेक्टर में गए थे और उस सेक्टर की स्थिति खराब हो गई, तो वह कोविड पीपीटी किट था या फिर सैनिटाइजर था, मास्क था, वो सब बनाने में लग गया। तो अवसर की तलाश किया और अवसर का फायदा उठाया, लेकिन अवसर की खोज करना, उसके लिए इकाइयां स्थापित, ये सब जो लॉग उसको कॉस्ट लगा वही हो जाता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मूल्यमान के संदर्भ में परिभाषित की जाती है मूल्य के समान। जैसे मान लीजिए हम जो सर्च किए, यहाँ गए, इंटरप्राइज में गए, वहाँ देखे, हमको पसंद नहीं आया, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हम गए, तो इस बीच का जो लगा वो हो गया अवसर लागत और मूल्य अवसर। लेकिन पसंद भी आ जाए, लेकिन पसंद आ जाए हमारे इंडस्ट्री स्टार्ट, उससे पहले जो हम उसको देखने में समझने बुझने में किए, वो तो हमको रिटर्न नहीं आया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनी। अब कैजुअल वेजेस लेबर क्या होता है, आकस्मिक दिहाड़ी मजदूरी, है ना, सिंपल है, हो गया जो परमानेंट हो गया, जिसको आप वेतन पीस वेज सिस्टम देते हैं या मंथली सिस्टम देते हैं कि भाई आप करो, मेरे यहाँ एक पीस पे इतना पैसा मिलेगा, या फिर महीने में हम पैसा देंगे, तो वो आपका परमानेंट मजदूर है। एक मजदूर यह है, हमको आवश्यकता है तो मजदूर लाए, नहीं है तो नहीं लाए, ये सब दिहाड़ी मजदूरी कहलाता है, कैजुअल वेजेज लेबर कहलाता है। अपेक्षित स्फीति क्या है, एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन, है ना। जैसे मान लीजिए कि मुद्रा की स्फीति होना, नहीं मुद्रा का, है ना, तो अगर व्यवसायी की इकाइयां या समिति जो भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्षों, सचिवों हों या उपभोक्ता द्वारा घटित होने वाली मुद्रा स्फीति की दर अपेक्षित मुद्रा स्फीति क्या है। अपेक्षित मतलब हम ये मान के चलें कि इतना मुद्रा का, इसी से आपका बैंक का ब्याज दर निकाला जाता है। मान लीजिए कि 1,000 रुपया अगर आज है और आज से 10 साल बाद 1,000 रुपया वो उस वक्त के 2,000 रुपये होगा, तो इसका अर्थ है आपका जो है मुद्रा सीधे हाफ हो जाएगा आपके वर्ष के हिसाब से, उसका स्फीति दर निकाल, ताकि मुद्रा का मूल्य हमारा किस हिसाब से आने वाले समय में घट जाएगा, भविष्य के लिए मुद्रा अपेक्षित मुद्रा स्फीति निकाला जाएगा। अब ये अनुषंगी हित लाभ क्या है, फ्रिंज बेनिफिट, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आपके यहाँ कोई मजदूर या फिर मैनेजर आपके यहाँ काम कर रहा, आप इंडस्ट्री के मालिक हो, तो आप उसको जो मजदूरी दे रहे हैं, जो वेतन दे रहे हैं, वो तो देंगे ही, साथ ही यदि आपका कंपनी फायदे में है तो उसको कुछ और लाभ देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि वो उसको वो कंपनी के हित के लिए सोचेगा, कहेगा कि हमको आज कंपनी में अगर 100 रुपया लाभ हुआ है तो हमको 10 रुपया मिल गया, आने वाले समय में हम इस कंपनी को 1,000 का लाभ दिलाएंगे तो हमको 100 रुपया मिल जाएगा,
हम 10,000 का लाभ दिलाएंगे तो हमको 1,000 रुपये तो सभी जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं और जो उसके पदाधिकारी हैं, जो प्रबंधक हैं, वे सभी तनमन से उसमें लग जाते हैं उस कंपनी को आगे बढ़ाने में। तो उसको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया वही कहलाता है फ्रिंज बेनिफिट अनुषंगी हित लाभ, है ना। अनुषंगी का मतलब यह हुआ कि वेतन के साथ साथ ये लाभ भी दिया गया। जैसे इसमें यह इसमें आवश्यक नहीं कि उसमें पेमेंट ही दिया सही जाएगा, यह आवश्यक है कि भाई उसके बच्चों की एजुकेशन है तो उसको मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया गया, उसको कैंटीन सुविधा में फ्री लंच दे दिया गया, तो ये सब फ्रिंज बेनिफिट के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक, अब अस्फीति क्या है, डिफ्लेशन, है ना। डिफ्लेशन का अर्थ वही हो गया कि यदि उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति मुद्रा की पूर्ति से अधिक हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप टमाटर जो है 40 रुपये अभी खरीदते हैं, सब कुछ कीजिए, और टमाटर का बहुत ज्यादा उत्पादन हो, ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाए तो क्या होगा, उस टमाटर की कीमत में गिरावट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टमाटर खराब होने वाला चीज है। वो चाहेगा किसान कि भाई 40 नहीं, हम 30 में बेच लें, दूसरा किसान चाहेगा कि हम 20 में ही बेच लें, तीसरा किसान चाहेगा कि हम 10 में ही बेच लें। सुनी हुई उत्पादन हो गया था तो लोग सड़क किनारे फेंक दे रहे थे क्योंकि उसको वो उचित मूल्य नहीं मिला। तो उत्पादित वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है तो वस्तु गिरावट आ जाती है ना। तो इससे क्या होगा कि मुद्रा का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है ना। वास्तविक मूल्य क्यों बढ़ गया, क्योंकि पहले आप 40 रुपया में 1 किलो टमाटर लाते थे, आज 10 रुपया में 1 किलो टमाटर लाए, यानी 4 रुपया, जो कल 40 रुपया जो था आज वो सामान मुद्रा का मूल्य जो है वो क्या हुआ, जो वास्तविक मूल्य था बढ़ गया 10 रुपये में आपको मिल रहा था आपके मूल्य कि मुद्रा के मूल्य में। और से क्या होगा, वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट होती है। अब देखिए यही लोग नहीं समझता है, सामान सस्ता रहेगा तो सामान जब सस्ता रहेगा, सिंपल अगर बहुत सस्ता हो गया और किसान को जो किसान या खाद महंगे दाम में खरीदे, अगर वो बेचने को तैयार है, रहा है टमाटर की खेती नहीं करेगा, तो जब टमाटर की खेती नहीं करेगा तो वो बेरोजगार है। इसका मतलब है कि देश में, और यदि सामान सस्ता हो देश में तो रोजगार चलेगा, तो निश्चित तौर हो गया। तो क्षेत्र में काम करने वाले किसान व्यापारी, इनकी संख्या बढ़ी तो ये आवाज कट कट के आ रही है, क्यों एक आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है? मिनट सुना देखिए।